8400 400 400 याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आपके व्हाट्सएप पे डाउट नट का 8400 400 400 नंबर सेव करना है, उसका चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT JEE नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाए और 8400 400 400 अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, आपके सभी डाउट आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल प्रैक्टिस सेट नंबर 10.2 क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन टुडेज वीडियो। अदर क्वेश्चंस दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, द लिंक ऑफ द वीडियो विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो एज वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस इन द सेम पैटर्न, यू ऑल हैव टू सॉल्व दीज ऑल्सो, दैट इज दिस यू ऑल हैव टू राइट इट ओवर हियर। This is a revised version, children. If you all have not understood my old video, that is why I have made a fresh new video. So, with an easy steps. Okay, all the steps are new. You will not be able to find the easiest way other than this. Alright, so after writing it in the division form, we have to use these two terms first. Okay, so isko divide kar lete hai first. That is 3 raised to 4 upon a raised to 4 upon a raised to 3. So 4 में से 3 कट हो गया, बचा only a. Now where you all have to write this term? Over here as a quotient. Okay. अब quotient को and this term you all have to multiply. So a cube minus 2 multiplied with a. So multiply it in this way. It is going to be a 4. And minus 2 into a is going to be minus 2a. Now where you all have to write this? Over here. So a 4. Now over here cube hai. Yahan pe cube nahi hai. So over here 1 is there. So where you all are going to use this? Over here. Minus 2a. Got it? This you all have to carry forward. Ab iske sign change karke isko hata dete hai. Okay, now what term? Minus a cube plus a square. Iska ho jayega plus a. Okay, plus 1. Now what terms you all have to use? This and this. That is a cube minus a cube and a cube. Minus a cube and a cube. So a cube cancel ho gaya. That is going to be minus 1. अब माइनस वन को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करो, सो इट इज गोइंग टू बी ए क्यूब माइनस टू मल्टीप्लाइड विथ माइनस वन. ए क्यूब इंटू माइनस वन इज गोइंग टू बी माइनस ए क्यूब, माइनस टू इंटू माइनस वन इज गोइंग टू बी प्लस टू. ओके, सो ये टर्म कहाँ पे लिखना है अब? क्वेश्चन के जगह पे. ओके, दिस टर्म एंड दिस टर्म वेर यू ऑल हैव टू राइट बिलो ओवर हियर अकॉर्डिंग टू द पावर. तो अब ये क्यूब है तो क्यूब के नीचे ही आएगा, राइट. अब यहाँ पे प्लस टू है तो प्लस टू यहाँ पे आएगा. चेंज द साइन, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा. कैरी फॉरवर्ड, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन. ओके, सो अब इसके आगे नहीं कर पाएंगे. लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो आई एक्सप्लेन. नाउ सी ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, इसका पावर छोटा है एज कंपेयर टू द पावर ऑफ डिविडेंड. ओके, सो ये कैलकुलेशंस नहीं होगा, इट विल कम इन फ्रैक्शन, सो वी डोंट नीड टू डू इट. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन इज सपोज टू बी ए माइनस वन एंड रिमाइंडर इज सपोज टू बी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन. Now, let's move on to the next question, that is 7th question. Now, children, you are going to worry, but it is very easy. Some basic steps you all have to use in this question as we have used for other questions. Same method, only at the end, few fractions are there that you all have to understand it. Okay, so if you all are going to watch it twice or thrice, 2 se 3 baar dekh lo, it is going to be sorted out. Okay, so again, divide the page into 2. Okay, now, yahan pe kya karna hai? This term and this term. Same as we did, x raised to 4, 4x raised to 4 and 4 upon x. तो ये कट हो जाएगा, बचा क्या? 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 में से एक x गया तो बचा कितना? x cube. Now where you all have to write x cube?
यहाँ पे, दिस इज योर फर्स्ट डिविडेंड. ओके नाउ मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, तो 4x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ x क्यूब. ओके सो 4x इंटू x क्यूब इज गोइंग टू बी 4x 4. माइनस 1 इंटू x क्यूब इज गोइंग टू बी माइनस x क्यूब. नाउ यूज दिस ओवर हियर. ओके अकॉर्डिंग टू द पावर दैट इज माइनस 4x 4 माइनस x क्यूब. ओके सो ये हो जाएगा प्लस, दिस यू विल हैव टू कट. ओके नाउ ऐड करो इसको, दिस इज सबट्रैक्ट करो, दिस इज गोइंग टू बी 4x क्यूब माइनस साइन, टेक ऑल द टर्म्स माइनस 7x प्लस 1, टेक ऑल द रिमेनिंग टर्म्स जस्ट बिलो इट. ओके नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू ऑल हैव टू यूज दिस टर्म एंड दिस टर्म अगेन, फर्स्ट एंड द टर्म फ्रॉम हियर. सो माइनस 4x क्यूब एंड 4x, तो 4x 4x कैंसिल हो जाएगा, तीन में से एक गया तो बचा कितना x स्क्वायर एंड माइनस साइन. अब ये टर्म कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे विथ द साइन. ओके नाउ यूज दिस टर्म एंड दिस कंप्लीट टर्म दैट इज 4x माइनस 1 इंटू माइनस x स्क्वायर. इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करना है. नाउ इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन, नाउ दिस इज गोइंग टू बी माइनस 4x क्यूब बिकॉज माइनस साइन है, माइनस एंड माइनस प्लस प्लस x स्क्वायर. अब ये टर्म यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू द पावर, दिस वी हैव ऑलरेडी रिटन. तो माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा. ऑल राइट ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. तो अब ये टर्म एंड अगेन ये वाला टर्म 4x दैट इज x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x. ऑल राइट तो x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचा ओनली x ऊपर माइनस x और नीचे 4. ऑल राइट तो अब ये टर्म कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे दैट इज माइनस x अपॉन 4. ओके नाउ मल्टीप्लाई दिस एंड डिविडेंड दैट इज 4x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ माइनस x अपॉन 4. ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो. सो अब इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस x अपॉन 4. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम वेयर डिड वी गेट दिस x स्क्वायर. So for this we will use a rough page over here because it is very important for you all to understand. So what was the question? 4x kya tha? 4x minus 1 multiplied with minus x upon 4. Okay. So simple basic steps you all have to use children. So isko minus x upon 4 kyunki yahan pe 1 hai. Okay. So what we did? We have cross multiplied it. Multiplied with 4x plus x upon 4 into 1. इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. ऑल राइट ना आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग 4 4 कैंसिल हो जाएगा. ओके सो वॉट इज लेफ्ट, x इज लेफ्ट ओवर हियर, x मल्टीप्लाइड विद माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर. ऑल राइट x into 1 इज गोइंग टू बी प्लस x upon 4. गॉट इट, ये आपको साइड में करना है एंड देन यू ऑल आर गोइंग टू गेट दिस टर्म. नाउ वेयर यू ऑल हैव टू राइट दिस टर्म, दिस टर्म इज टू बी रिटन ओवर हियर. ओके सो लेट्स राइट इट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4. ओके अब इसको माइनस कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी. सो पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं. ओके नाउ हाउ आर यू गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस और ऐड दिस. ओके नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इजी चिल्ड्रन, यू ऑल डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज. सो दिस टर्म यू ऑल हैव टू राइट इट इन दिस वे माइनस 7x अपॉन 1, कुछ नहीं है यहाँ पे इजंट इट, सो देयरफॉर अपॉन 1 हमने ले लिया, माइनस x अपॉन 4 माइनस x अपॉन 4. वाई माइनस, बिकॉज द साइन हैव changed.
तो अब यहाँ पे कैसे करना है, 4 sevens आर 28 माइनस 28x, 4 sevens आर 28 एंड माइनस का साइन एंड x एज इट इज, गॉट इट? फिर माइनस x जैसा था वैसा एंड 4 अगेन यू ऑल हैव टू कैरी फॉरवर्ड. ओके, सो अब इसको कर लो तो माइनस एंड माइनस इज गोइंग टू बी प्लस, सो माइनस 29x, माइनस एंड माइनस इज गोइंग टू बी प्लस साइन ऑफ अ बिगर नंबर एंड x एज इट इज अपॉन 4. नाउ माइनस 29 अपॉन x, ये जो फैक्टर है, दिस वेरिएबल यू ऑल हैव टू यूज इट ओवर ईयर. ओके, सो माइनस 29x अपॉन 4 प्लस 1 बाकी है, बराबर, सो यू ऑल हैव टू ब्रिंग इट डाउन. आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन टिल ओवर ईयर. इट इज वेरी ईजी चिल्ड्रन, डोंट गेट कन्फ्यूज, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बेसिक स्टेप्स यू ऑल हैव टू यूज इट. अब यहाँ पे अगेन द सेम ओल्ड स्टेप, ये पूरा टर्म एंड 4x, इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, यही यहाँ पे ही करना है बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ओवर ईयर. सो माइनस 29x अपॉन 4 डिवाइडेड विथ 4x, बराबर, ये पूरा टर्म डिवाइडेड विथ 4x, हमने सबके लिए यही किया है, बराबर. सो सेम स्टेप यू ऑल हैव टू कैरी इट ओवर ईयर ऑल्सो. अब इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज माइनस 29x अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 4x, इसका हमने रेसिप्रोकेट कर लिया. ओके, नाउ आफ्टर रेसिप्रोकेटिंग मल्टीप्लीकेशन ईजी हो जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी माइनस 29, 4 4s आर 16. ओके, x एंड x कैंसिल, गॉट इट? तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, माइनस 29 अपॉन 16. तो ये टर्म कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे माइनस 29 अपॉन 16. इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट ट्वाइस टू थ्राइस ना चिल्ड्रेन, इट इज वेरी ईजी सम, सिर्फ थोड़ा यहाँ वहाँ बेसिक्स यू ऑल हैव टू यूज. नाउ दिस टर्म यू ऑल हैव टू मल्टीप्लाइड विथ 4x, 4x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 29 अपॉन 16, बराबर. ये टर्म को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, विथ 4x माइनस 1, जैसे सबके लिए मल्टीप्लाई किया है इन द सेम वे. ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस 29 इंटू 4x बराबर अपॉन 16 प्लस 29 अपॉन 16. ओके, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस. नाउ अब बचा कितना, 4 वन जा 4 4 जा 16, ये तो वैसे ही रहेगा माइनस 29x, राइट, माइनस 29x तो वैसे ही आ गया, बचा यहाँ पे 4 प्लस 29 अपॉन 16. ओके, सो हमें ये जो टर्म है ये कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे. सो इट इज गोइंग टू बी माइनस 29x, यू विल सी 29, यू विल सी हमें सेम सेम मिला है. ओके, सो मतलब हम लोग राइट ट्रैक पे है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 29 अपॉन 16, गॉट इट? इसको और इसको हमने अभी सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन ऑल्सो आई विल शो यू हाउ टू सब्ट्रैक्ट इट. ओके, सो अब ये करने के बाद माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था इसीलिए ये रिड्यूस हो गया. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, नाउ सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो वेरी ईजी, अगेन वी विल टेक अ पेज डिफरेंटली, आई विल एक्सप्लेन यू. सी 1 अपॉन 1 माइनस 29 अपॉन 16, ये ऐसे था बराबर. ऑलराइट, सो 29 अपॉन 16, वेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये 16 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 29 हो जाएगा, मल्टीप्लाई दिस, दिस इज गोइंग टू बी 16. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 13 अपॉन 16. बेसिक है अपना ये सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन. तो नाउ दिस यू ऑल हैव टू राइट इट ओवर हियर, हमने क्या करा, इसका सब्ट्रैक्शन किया. Alright, this we have subtracted over here. So, your answer is supposed to be minus 13 upon 16. Now, your quotient is, I will make the screen small so that it will fit in one single page. I don't think so. It will not fit, but I will scroll it so that you will be able to
recognize all the steps, solve it in the such a way, children, जैसे मैंने दिखाया है, it will be very easy for you all to solve. X upon 4 minus 29 upon 16. You will see it is very, very easy. Minus 13 upon 16. Okay, so I hope this exercise is clear to everyone. Children, please let me know in the comment section whether you all have found this step easy or the previous one that I have explained you in the old video, which is having a red banner. So let me know in the comment section. See you in the next video. Till then, take care. Bye.